हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चॉइस किचन। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस सी केसर इलायची फ्लेवर वाली सेवइयाँ। लेकिन इसको मैं बनाऊंगी बिना इलायची और बिना केसर के। वो कैसे, तो उसके लिए तो आपको देखना पड़ेगा वीडियो। तो आज की ये जो सेवइयाँ हैं मैं बनाऊंगी कस्टर्ड पाउडर से, जो कि है केसर और इलायची फ्लेवर का। तो आइए बनाना स्टार्ट करते हैं इस डिलीशियस सी सेवइयों की रेसिपी को। तो यहाँ पर मैंने टॉप्स का कस्टर्ड पाउडर लिया है, जो है केसर और इलायची का फ्लेवर। वैसे तो ये जो है कस्टर्ड का है, इससे आप कुछ भी बना सकते हैं। लाइक इसको सेवियों में डाल सकते हैं, या फिर इसकी आइसक्रीम भी बना सकते हैं, या बना सकते हैं इससे आप मिल्क। तो आज मैं इससे बनाऊंगी कस्टर्ड वाली सेवइयाँ, जो कि होगी इलायची और केसर के फ्लेवर में। तो यहाँ पर मैंने 1.5 चम्मच ले लिया है पाउडर, और इसके अंदर मैंने डाल दिया है दूध। तो दूध जो है हमें ठंडा ही डालना है, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि इसके अंदर कोई लम्स ना रहे। और ये जो सेवइयाँ हैं बहुत ही इजीली बन जाती हैं, और खाने में तो बहुत ही टेस्टी लगती हैं। एक बार जरूर बना के देखिएगा। ये कस्टर्ड जो है नियर बाय किसी भी स्टोर पे मिल जाएगा, और इसका कॉस्ट भी जो है बहुत ही कम है। 45 रुपीज़ का आपको ये मिल जाएगा, और 30% दिखा रहा है इसमें एक्स्ट्रा है, तो बहुत ही बढ़िया है। और अब हम आ गए हैं गैस की तरफ। यहाँ मैंने चढ़ा दिया है एक पैन, और इसके अंदर डाल दिया है दूध। तो जितनी सेवइयाँ आपको बनानी है उसके अकॉर्डिंगली दूध डालेंगे। तो आधा किलो दूध के अंदर आधी कटोरी हम सेवइयाँ डालेंगे, इनफ रहेगी। तो यहाँ पे दूध के अंदर मैंने डाल दी है चीनी। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर मीठा ज़्यादा लाइक करते हो तो थोड़ा ज़्यादा डाल सकते हैं, अगर नॉर्मल चाहिए तो आप उसके अकॉर्डिंगली चीनी एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आधा कटोरी सेवइयाँ ली हैं। ये सेवइयाँ ऑलरेडी भुनी हुई हैं। अगर आपके पास भुनी हुई सेवइयाँ हो तो आप बहुत ही जल्दी 5 मिनट के अंदर इसको बना के तैयार कर सकते हैं। और अगर भुनी हुई ना हो तो आप पहले इसको घी में हल्का सा रोस्ट कर लें, उसके बाद इसको बनाएं, क्योंकि रोस्ट करने के बाद जो इसका फ्लेवर है बहुत ही बढ़िया आता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम सेवइयों को कुक करेंगे, क्योंकि अगर हमने कस्टर्ड पाउडर डाल दिया ना तो दूध जो है हमारा जल्दी से गाढ़ा हो जाएगा, और जो सेवइयाँ हैं हमारी कच्ची रह जाएंगी। तो इसीलिए पहले हमें दूध के साथ इन सेवइयों को कुक करना है। तो यहाँ पे देखिए बॉयल आना स्टार्ट हो गया है, गैस का फ्लेम कम कर देंगे और इनको कुक कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए जो सेवइयाँ हैं हमारी आधी कुक हो चुकी है। इसके अंदर मैंने थोड़ा सा इलायची का पाउडर डाल दिया है। टोटली ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डालिए, अदरवाइज आप स्किप भी कर सकते हैं। मुझे इलायची का फ्लेवर थोड़ा सा ज़्यादा पसंद है, इसीलिए मैंने इसके अंदर डाला है। अदरवाइज तो इसके अंदर इलायची और केसर का फ्लेवर ऑलरेडी है। तो यहाँ पर जो हमारी सेवइयाँ हैं देखिए कुक हो चुकी हैं, सॉफ्ट हो गई हैं। अब इसके अंदर जो हमने कस्टर्ड घोल के रखा था वो थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर मिक्स कर देंगे, और एक बार इसको चला लेंगे, क्योंकि जो हमारा कस्टर्ड है नीचे बैठ जाता है। तो यहाँ पे इस तरीके से चलाते हुए मैं कस्टर्ड को इसके अंदर मिक्स कर रही हूँ, और फ्लेम जो है बिल्कुल लो है, ताकि जो हमारा कस्टर्ड है इसके अंदर गुठलियाँ ना बने। तो देखिए कस्टर्ड डालने के बाद इसका कलर जो है कितना अच्छा हल्का येलो कलर का आ गया है, क्योंकि इसके अंदर केसर भी है तो उसने भी अपना कलर दिया है। तो यहाँ पे बस थोड़ा सा इसको गाढ़ा करेंगे, ताकि जो हमारा कस्टर्ड है कच्चा फ्लेवर उसका निकल जाए। तो यहाँ पे धीरे धीरे देखिए गाढ़ा हो गया है, और बस रेडी हो गई है हमारी बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस सी सेवइयाँ। और जैसे जैसे ये कुक होगी और ठंडी होगी ये और गाढ़ी हो जाएंगी, तो इसीलिए बस इसी स्टेज पे हम इसे गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे थोड़ा ठंडा कर लेंगे। आप चाहें तो इसे ठंडा सर्व कर सकते हैं, चाहे तो गर्म सर्व कर सकते हैं, लेकिन अभी तो गर्मी का सीज़न है तो ऐसे में तो ठंडी ठंडी चीज़ें अच्छी लगती हैं। तो जब आप इसको ठंडी करके खाएंगे ना, तो बिल्कुल ऐसा लगेगा कि आप केसर और इलायची फ्लेवर का फलूदा खा रहे हैं, क्योंकि सेवइयाँ और कस्टर्ड तो होता ही है वो। तो यहाँ पर देखिए रेडी हो गई है हमारी बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस सी सेवइयाँ। इसको हम सर्व करते हैं। आप इसको ड्राई फ्रूट के साथ सर्व कर सकते हैं, या प्लेन इसको रख सकते हैं, जैसा मर्जी आप चाहें इसको इंजॉय कर सकते हैं। लेकिन जब आप इसके ऊपर थोड़े से डेकोरेट कर देंगे ड्राई फ्रूट, तो उससे इसके अंदर जो क्रंच आएगा बहुत ही बढ़िया लगता है। तो बस देखिए सर्व कर दिया है मैंने, और कितनी बढ़िया और टेम्पटिंग सी ये हमारी सेवइयाँ लग रही हैं। तो बस रेडी है हमारी कस्टर्ड वाली सेवइयाँ, वो भी केसर और इलायची के फ्लेवर में। रेसिपी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, अपनों के साथ रहिए, और मेरी वीडियोज़ को इन्जॉय करते रहिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।